दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिंग एआई चैट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैट जीपीटी के बारे में लगभग इंटरनेट पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सर्च करते हैं, वो लोग काफी लोग जो है जानते हैं। एआई है, चैटबॉट है। 3.5 जो है आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन अगर आपको 4 यानी कि जीपीटी का वर्जन 4 चाहिए तो आपको इसके लिए अपने प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। यानी कि ये फ्री में नहीं है। फ्री करने के लिए आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे $20 प्रति मंथ, ठीक है, या फिर $25 पर पर्सन वगैरह। यहाँ पर देखिए मॉडल दिया गया है। और ये जो है जो बेसिक प्लान है वो आपको फ्री है, जिसमें आपको 3.5 जीपीटी का 3.5 मॉडल मिलेगा, जिससे आप वेब यानी कि गूगल जैसे वेब ब्राउजर जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, iOS पे इस्तेमाल कर सकते हो, आईफोन पे, एंड्रॉयड पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। खैर ये तो सबको पता है। तो नया क्या है? नया क्या है कि भाई देखिए, ये जो चैट जीपीटी है 3.5, इसको इसमें मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया है कुछ मामलों में। कैसे मैं आपको बताऊंगा। आज की ये वीडियो जो है स्पेशल बिंग एआई चैट के बारे में, क्योंकि ये जो बिंग सर्च इंजन, आपको पता होगा बिंग के बारे में, बिंग जो है एक सर्च इंजन है, ठीक है, जैसे गूगल है, ये देखिए bing.com। लेकिन अब क्या है, जब चैट जीपीटी आया उसके बाद से चैट जीपीटी में शायद माइक्रोसॉफ्ट बिंग का इन्वेस्ट है, उसकी वजह से अब जो है जो चैट जीपीटी बेच रहा है 4.0 वर्जन, जीपीटी का जो 4.0 वर्जन बेच रहा है, वो चीज आपको फ्री में मिल जाएगा एआई यानी कि बिंग सर्च इंजन में। तो कहीं ना कहीं गूगल जो है अब इससे पिछड़ा रहा, क्यों? गूगल में आपको ये फीचर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं, जैसे हमने यहां पर bing.com खोला सर्च इंजन, तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन मिल रहा है हमें सर्च के साइड में ही। इस पर क्लिक करके हम डायरेक्ट यहां पर आ जाते हैं बिंग एआई सर्च में डायरेक्ट, देखिए यहां पे। और यहां पर हम जो है एआई की मदद से कुछ भी यहां पर हम सवाल जवाब कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी हम यहां पर सीख सकते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा जो कोर्स है उसके बारे में, या फिर जो भी हम चाहते हैं, तो यहां पर हम सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम यहां पर टाइप करते हैं टेल मी मोर अबाउट बिंग एआई चैट, और यहां पर हमने एंटर किया, तो ये अब मुझे जो है इसके बारे में रिजल्ट लिख देगा, या फिर जो इसका आंसर देखिए दे रहा है, बिंग चैट इज एन एआई पावर्ड असिस्टेंट दैट कैन हेल्प यू ब्राउजर द वेब मच मोर, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है आपको फीचर्स मिल रहा है। लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ और बताने वाला हूं, जैसे कि बिंग एआई चैट का एक नया वर्जन यहां पर देखिए, ये बेसिकली क्या है, इसकी वजह से गूगल जो है बिट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट बिंग की बात की जाए तो, क्योंकि गूगल को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए कोई वेब ब्राउजर, और ये है गूगल क्रोम, यानी कि गूगल क्रोम जो है वेब ब्राउजर है, इसके थ्रू या फिर किसी और ब्राउजर के थ्रू गूगल सर्च काम करता है। और यहां पर हो सकता है कि यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एज से भी आप जो है, कई सारे लोग होंगे वो बोलेंगे भाई माइक्रोसॉफ्ट एज में भी तो गूगल चलता है। सही बात है, चलता है, क्योंकि ये भी एक जो है ब्राउजर है, ठीक है। लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि ये जो एज ब्राउजर है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, यानी कि विंडोज का। और यहां पर ये देखिए एक नया फीचर्स क्या है, ये वाला यहां पर जो विंडोज के सर्च बार में यहां पर दिया गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए एडगर एलन पोएट्स बर्थडे, आज इनका बर्थडे है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर डायरेक्ट जो है ये फीचर्स किया गया है हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में। जितने लोग विंडोज 10 इस्तेमाल करते हो या फिर विंडो 11 इस्तेमाल करते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, वहां पर सबको ये दिखेगा, ठीक है। और ये हर दिन का अलग अलग, जिसका भी बर्थडे हो या फिर कोई स्पेशल दिन हो, डे हो, तो यहां पर आ जाता है। अब कमाल की बात ये है कि कोई भी इसके बारे में क्लिक करेगा और जानेगा, और यहां पर डायरेक्ट ऑप्शन आता है चैट विद बिंग, चैट विद बिंग। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं, डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज, और सर्च इंजन ओपन हो जाएगा bing.com। ये सुविधा सिर्फ पीसी यूजर्स, यानी जिसके पास विंडोज 11 है, विंडो 10 है, उनके लिए ही है। और खास कर ये कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 और विंडो 11। तो यहां पर देखिए ये डायरेक्ट इसका फीचर्स मिल रहा है डायरेक्ट। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर नहीं है तो भी आपको बिना क्रोम ब्राउजर के भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं इसकी मदद से। अब यहां पर देखिए
हमने इसको ओपन किया को पायलट विद जीपीटी 4 पर, जो अभी ये आपको फ्री में मिल रहा है यहां पर। वहां पर क्या था, यहां पर आपको पैसे देने पड़ रहे थे इसके लिए। 4 पॉइंट वर्जन जीपीटी, चैट जीपीटी के जीपीटी 4 पॉइंट वर्जन जो है आपको इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको फ्री में मिल रहा है। अभी यहां पर आप चैटिंग कर सकते हैं, चैट मतलब कुछ भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं। शॉपिंग के बारे में भी कुछ चीजें आप अलग से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेस का अलग है, ट्रेवल का अलग है, अगर आप राइटर हैं पोस्ट आर्टिकल लिखते हैं तो उसके लिए अलग है, जोक हंसी मजाक के लिए यहाँ पर, फनी के लिए अलग से कैटेगरी बन गया है। कोड मतलब जिसको जो है HTML वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट डेवलपर बनना है, HTML के बारे में जानना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट CSS के बारे में जानना चाहते हैं, और भी कई सारी जो मतलब कोडिंग से रिलेटेड है, उसके लिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दे गई है। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिएटिव का, बैलेंस का, प्रिसाइज का, यानी कि ये एक बेसिक हो गया, ये एडवांस, ये मोर एडवांस हो गया, समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब देखिए क्या है कि यहां पर आप मान लीजिए कि आप इस पर जाते हैं और इस पर क्लिक करते हो चैट, तो यहाँ पर जो बेसिक जो चैट जीपीटी वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर चालू हो जाएगा, और आप यहाँ से कुछ भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जैसे कोई यहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे कि व्हाट इज बिंग चैट AI, ओके, एंड उसके बाद से आप यहां पर इसको एंटर कर दो, तो ये हमें पूरी जानकारी दे देगा कि आखिर जो है बिंग चैट AI क्या है। तो यहां पर देखिए डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया, बिंग चैट इज AI पावर्ड असिस्टेंट दैट कैन हेल्प यू ब्राउज द वेब एंड मच मोर, ठीक है। एंड आगे भी दिया गया, यू कैन आस्क बिंग चैट बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यूज इट फॉर रिसर्च, रिक्वेस्ट समराइज ऑफ आर्टिकल, बुक्स, इवेंट वगैरह। आगे भी आपको ये पूरा डाटा दे रहा है, बिंग चैट इज आल्सो कैपेबल ऑफ जनरेटिंग नॉलेज, बिंग चैट इज पावर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन AI's चैट GPT-4, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं कि इसमें जो है इसको फायदा मिलेगा यहां पर, और इस यहां पर जो है कहीं कहीं गूगल जो है इससे बीट हो सकता है, लेकिन गूगल भी कम नहीं है। गूगल का भले जो भी है यहां पर इसको माइक्रोसॉफ्ट को फायदा मिल रहा है, लेकिन गूगल का भी यहां पर जो है एक AI चैटबॉट है जिसका नाम है बार्ड। हम गूगल में जाकर इसको सर्च करेंगे, बार्ड AI, ठीक है, बार्ड AI चैटबॉट। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्पॉन्सर्ड भी आ रहा है, क्योंकि गूगल इसको प्रमोट भी कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपका अपना AI चैट असिस्टेंट, ट्राई एजनेटिव AI चैट, अब इस पर क्लिक करेंगे। बहुत ही आसान है, इसमें आपको जो है अकाउंट भी नहीं बनाने हैं, आपका गूगल अकाउंट के साथ ही ये बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंड, क्रिएट, एक्सप्लोर, ठीक है। इसमें भी आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी अच्छा मतलब यहाँ पर इस रिस्पॉन्स दिख रहा है यहाँ पे, और क्या कहते हैं कि इसका भी एक नया मतलब लुकआउट जो है काफी अच्छा दिया गया, ठीक है। अब अंडरस्टैंड के लिए यहाँ पर कर सकते हैं इस्तेमाल, क्रिएट कर लिए कर सकते हैं, किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पेशल लॉन्ग वीकेंड वगैरह, थैंक यू नोट, ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। हम बेसिकली इस पर क्लिक करके जो भी चाहे हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर हम वॉइस सर्च भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, यूज माइक्रोफोन, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये बोले यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आ चुका है, चलिए मैं क्लिक करता हूँ, व्हाट इज AI चैटबॉट। देखिए इसके बारे में हमने यहाँ पर वॉइस के जरिए भी यहाँ पर सर्च कर दिया बार्ड वाले में, ये स्पेशल फीचर्स यहाँ पर गूगल बार्ड AI चैटबॉट की तरफ से देखिए यहाँ पर मिल रहा है। आप इसको सुन भी सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोफोन है तो आप इस पर सुन भी सकते हैं सारी चीजें। देखिए कंप्लीट यहाँ पर वो भी क्लियरली आ रहा है यहाँ पर, मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई लिंक वगैरह जैसे कि उसमें दिख रहा था कहाँ गया, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर थोड़ा अटपटा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लिंक वगैरह भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर काफी जो है क्लियर, जैसे कि एक बुक में लिखा होता है आर्टिकल की तरह, वहां पर देखिए लिखा हुआ लिंक यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन अलग तरीके से दिया गया ताकि इरिटेट ना लगे कस्ट वो जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स है, जो ट्रैफिक आ रहा है गूगल बार्ड में, उसको इरिटेट ना लगे। तो यहाँ पर काफी ये ध्यान दिया गया कि काफी क्लियर हो चीजें। यहाँ पर क्या है कि आप इमेज अपलोड करके भी उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं ये चीज इमेज को यहाँ पर ओपन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। इंटर प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, टेल मी अबाउट दिस इमेज, ओके, यानी आप मैं सर्च करता हूँ,
अब जो है गूगल बार्ड जो एआई है वो हमें इस इमेज के बारे में देखिए क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो काफी कुछ दिस इमेज हैज बीन रिमूव्ड, आई एम टेक्स्ट बेस्ड एआई एंड दैट इज आउटसाइड ऑफ माई कैपेबिलिटी। तो ये चीज जो है नहीं दे रहा है, शायद ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर ये कैपेबिलिटी के आउटसाइड है। और तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ दिया है ऑप्शन कमन भी ये है कि हम इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमने इमेज यहाँ पर डाला क्लॉक का, तो यहाँ पर बता यहाँ पर हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं टेल मी अबाउट दिस इमेज। ओके देखते हैं क्या होता है इसके बारे में, क्या ये जानकारी देता है कि नहीं देता है और क्या ये लिखता है वाकई में। देखिए तो यहाँ पर देखिए ये लिख दिया, श्योर द इमेज यू सेंट मी सो ए पिंक का डिलरा वॉल क्लॉक, इट हैज ए अराउंड पिंक फेस विद ब्लैक हैंड। तो ये इस तरीके से देखिए इमेज को एक्सप्लेन कर दिया। कुछ इमेजेस हैं जिसके बारे में ये श्योर नहीं, इसलिए नहीं बता रहा है। बाकी इमेजेस को भी आसानी से जो है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि आखिर इमेज में क्या है क्या नहीं है, और ये जो है वो आपको जवाब देगा। ठीक है चलिए मैं ये थोड़ा देता हूँ और देखता हूं कि ये टेल मी अबाउट दिस इमेज। ओके एंड यहां पे सर्च करता हूं, जितने सर्च किया तो यहां देखिए क्या बताता है ये गूगल का बार्ड एआई। और काफी स्मूथ मेरे ख्याल से देखिए कि मुझे एक अंतर दिखता है, यही बीट करेगा और यही जो है फाइट कर सकता है गूगल और बिंग में। और गूगल बार्ड, गूगल का जो बार्ड एआई है इस मामले में आगे रहेगा क्योंकि काफी स्मूथ देखिए दिख रहा है, काफी क्लियर दिख रहा है। वहीं पर देखा जाए तो जो बिंग एआई है इसमें थोड़ा सा मतलब ये दिख रहा है ना, हर जगह जो है कुछ कुछ ना कुछ ज्यादा ही मतलब कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं। ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए तो काफी स्मूथ दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये हमें बता रहा है, सो दिस इमेज यू सेंड मी रेड फॉक्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ब्लू बैकग्राउंड, द फॉक्स इज लुकिंग डायरेक्टली एट द कैमरा विद द इस माउथ स्लाइटली ओपन, इट्स फ्योर इज ऑरेंज एंड व्हाइट एंड इट्स टेल इज बसी। ठीक है तो देखिए इजिली जो है इसने इसको रीड किया और बता दिया। ठीक है तो अब यहां पर जो है आप इसको डबल चेक रिस्पॉन्स गूगल भी कर सकते हैं डायरेक्टली इसको। देखिए इसी चीज को गूगल कर, सर्चिंग ऑन गूगल ये देखिए। तो यहां पर देखिए इसको सर्च किया तो यहाँ पर लिंक भी आ गया, यहाँ देखिए हिंदी वेरी शॉर्ट स्टोरी डॉट कॉम। अब इस पर हम क्लिक करके उस लिंक पर जा सकते हैं जहां से ये इमेज आई है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहां से जो है बेसिकली वो इमेज आई है, देखिए ये भी आपको पता चल जाएगा। तो काफी कुछ जो है जो आपको सीखना है आजकल के टेक्नोलॉजी में बहुत ही ऊपर वाला है। वैसे ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है मेरी ही है हिंदी वेरी शॉर्ट डॉट कॉम। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए कहानियां लिखी जाती है, पोस्ट पब्लिश की जाती है छोटे बच्चों के लिए। ठीक है तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि गूगल भाव हल्के में है, लोग गूगल को हल्के में समझ रहे हैं कि भाई नहीं इसका फीचर तो मिलेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट को थोड़ा इसका फीचर्स मिलेगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली जो है कुछ चीजें करनी नहीं पड़ रही है। कोई अगर किसी के लैपटॉप में अगर गूगल क्रोम है तो ही इसको गूगल को इस्तेमाल करेगा, अदरवाइज वो चाहे तो सिर्फ डायरेक्टली ये जो है जो ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है इसका इस्तेमाल करके डायरेक्टली जो है वो चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है तो ये फाइल चलती रहेगी। ठीक है उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिंग एआई चैट जो है काफी बेहतर हो रहा है, चैट जीपीटी 4.0 का आपको फायदा मिल रहा है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ पर फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गूगल का जो बार्ड है वो क्या बात है, यहाँ पर काफी मस्त स्मूथ, यहाँ पर देखिए जो इसका इंटरफेस है काफी अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइप करता हूँ, रामजी टेक्निकल टेल मी अबाउट, मैंने यहाँ पर टाइप किया टेल मी अबाउट रामजी टेक्निकल, तो देखते हैं ये जानता है कि नहीं, यानी गूगल का बार्ड रामजी टेक्निकल को जानता है कि नहीं। द फेस रामजी टेक्निकल कैन रेफर टू ए फ्यू थिंग, द पर्सन नेम्ड रामजी हु वर्क इन टेक्निकल फील्ड। वाह क्या बात है। और यहाँ पर अलग अलग इसका संधि विच्छेद भी कर दिया, यूट्यूब चैनल कॉल्ड टेक्निकल रामजी 10,000 सब्सक्राइबर, ए कंपनी कॉल्ड टेक्निकल रामजी, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी ऑनलाइन, सो इट्स पॉसिबल डेट इस स्मॉल बिजनेस ए सोल प्रोपराइट। यहाँ पर दे रहा है ये देखिए, मेगा हिंदी लिंक कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए इस पर हम क्लिक करके बेसिकली जाए ये देखिए
यहाँ पर कहीं कहीं लिंक ये मेरे डायरेक्ट ये वेबसाइट दूसरी वेबसाइट है मेगा हिंदी, इस पर लेकर आया हुआ है। ये देखिए हाँ यहाँ पर देखिए यहाँ से फेच कर रहा है। तो कुल मिला के आजकल जो ये सर्च इंजन है वो अब जो है कुछ मतलब एआई का पावर भी आ गया, डायरेक्ट जो है एआई के साथ भी कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे कि बार्ड में बार्ड जो सर्च इंजन है उसको गूगल ने लिंक कर दिया है गूगल से, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पर गूगल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वेब ब्राउजर है उसमें जो है बिंग्स जो सर्च इंजन है उसको डायरेक्ट जो है ChatGPT 4.0 का पावर मिल गया है। तो दोनों ही मतलब बढ़िया है, आप अपने टॉपिक को अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं इन दोनों ब्राउजर का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए।